दोस्तों, महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें दूसरों से कर्ज लेना पड़ जाता है। आज के समय में कर्ज लेना बहुत आसान है। तमाम बैंकों से लोन लेने के लिए फोन आते ही रहते हैं। सुख सुविधा बढ़ाने के लिए वाहन लेना है, घर का कोई सामान खरीदना है या फिर आलीशान घर बनाना है, हर तरह के लोन आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन कई बार इन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कुछ ऐसी परेशानियां भी सामने आ जाती हैं कि इन कर्जों को चुकाने में हालत खराब हो जाती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है, मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। अगर आपको किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ रहा है तो आप कुछ बातों का ध्यान रखकर उस कर्ज को आसानी से चुका सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से अचूक उपाय हैं जिससे आप अपने कर्ज के जाल को तोड़ के एक आजाद जिंदगी में सांस ले सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। अगर शीघ्र ही कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये अचूक उपाय जरूर अपनाएं और एक स्वस्थ तनाव मुक्त जीवन बनाएं। मंगलवार को शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध एवं जल से अभिषेक करें और मसूर की दाल अर्पित करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर ऋण मुक्तेश्वर मंत्र ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः की कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल और पीला सिंदूर का टीका लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं और मन शांत रहता है। रात्रि में अपने सिरहाने एक बर्तन में जौ भरकर रख दें। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद जौ को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधी समस्याओं का अंत होने लगता है। कर्ज से मुक्ति के साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। बुधवार को सवा पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। बंदरों को गुड़ चना और केला, गाय को रोटी, मछलियों को आटे की गोली और पक्षियों को दाना खिलाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। वास्तु अनुसार ईशान कोण को साफ स्वच्छ रखें। ऐसा करने से शीघ्र ही ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। कर्ज लेने जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो उस समय वही पाव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि होती है, परंतु कर्ज देते समय सूर्य स्वर को शुभकारी माना गया है। किसी महीने की कृष्ण पक्ष की एक तिथि शुक्ल पक्ष की 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार दें और बुधवार को कर्ज लें। चर लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला व मकर में कर्ज लेने पर शीघ्र उतर जाता है, लेकिन चर लग्न में कर्जा दे नहीं। चर लग्न में 5वें व 9वें स्थान में शुभ ग्रह व 8वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं हो, वरना ऋण पर ऋण चढ़ता चला जाएगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हरे रंग की गणपति की 2 प्रतिमा लगाएं। प्रतिमा को इस तरह से लगाएं कि दोनों प्रतिमाओं की पीठ एक दूसरे की ओर हो, जिससे पीठ की तरफ से गणेश जी के दर्शन ना हो। अगर आपको किसी काम के कारण पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं तो बुधवार के दिन ले सकते हैं। इस दिन लिया गया कर्ज आसानी से उतर जाता है और आपके ऊपर किसी तरह की ऋण का कोई बोझ नहीं रहता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, तो वही शनिवार के दिन भी हनुमान जी का पूजन करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। बुधवार के दिन गणेश जी का दिन माना गया है। जहाँ पर गणेश जी होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शुक्ल पक्ष के बुधवार से गणेश स्तोत्र का पाठ करना आरंभ करें। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको ये अचूक उपाय
जरूर पसंद आए होंगे। आप उन्हें अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक कर्ज मुक्त जीवन बनाएं। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि मंगलवार के दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।